गाइस ये है पोको M2 Pro एंड इस वीडियो में हम लोग इसका फुल कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। एंड ये वाला वीडियो ना मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, दूसरी बार एडिट भी कर रहा हूँ, तो मेहनत देख रहे हो लोंडे की, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसी बात पे लाइक कर दो यार वीडियो को। तो ऐसे मैं अभी ज़्यादा बकबक नहीं करने वाला हूँ, पिछले वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, इसीलिए मेरे को फिर से शूट करना पड़ रहा है, फिर से एडिट करना पड़ रहा है। फटाफट से आप लोगों को ऐसे इसके वीडियो सैम्पल्स की तरफ ले चलता हूँ, फिर आप लोगों को फोटो सैम्पल्स भी दिखाऊंगा, तो आप लोगों को एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा एंड सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। ओके गाइज, तो ये वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30 fps पे पोको M2 Pro से, तो आप लोग ऐसे स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके गाइज, ये वीडियो शूट हो रहा है पोको M2 Pro के बैक कैमरे से 1080p 60 fps पे, तो आप लोग स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पर। गाइज, ये वीडियो शूट हो रहा है 4K 30 fps में, और जो ऑडियो भी है वो भी फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से ही आ रहा है, और ये वाला वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30 fps पे, और ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे है, तो स्टेबलाइजेशन आप लोग देख सकते हो कैसा है। ओके गाइज, तो ये वीडियो शूट हो रहा है पोको M2 Pro के फ्रंट कैमरा से, और ये 1080p 30 fps पे शूट हो रहा है, इसमें 60 fps का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग ऑडियो क्वालिटी भी अंदाज़ा लगा सकते हो एंड स्टेबलाइजेशन कैसा है वो भी अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड ऐसे हम लोग थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर आप लोगों को डायनामिक रेंज का ऐसे अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने वीडियो सैम्पल्स तो देख लिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे फ़ोटोज़ ले लेता है, लाइक लो लाइट में, डे लाइट में कैसा फ़ोटोज़ लेता है। अगर आप लोग इस डे लाइट में फ़ोटोज़ वगैरह खींचोगे तो यहाँ पर कलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, एंड डायनामिक रेंज भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी मैंने ये देखा है कि ये ना ऐसे ग्रीन को ना बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कर देता है, मतलब ग्रीन को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, तो ये बहुत से लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि डायनामिक रेंज तो बहुत ही अच्छे से कैप्चर करता है ये वाला फ़ोन, अगर आप लोग डे लाइट में ऐसे डायरेक्ट सन लाइटिंग कंडीशन में आप लोग अगर फोटो वगैरह ले हुए, तो यहाँ पर डायनामिक रेंज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इस फ़ोन का सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, जो कि मैंने अपने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में भी बताया था, कि ये ना फोटोज़ को ओवर शार्पन नहीं करता, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है इस फ़ोन की। एंड इसका जो स्किन टोन भी आता है ना, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा रेडिश स्किन टोन ज़्यादा पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू येलो स्किन टोन। अगर आप लोग अल्ट्रा वाइड एंड नॉर्मल मेन सेंसर को अगर कंपेयर करोगे, तो आप लोगों को जो अल्ट्रा वाइड वाला शॉट देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट वाला देखने को मिलेगा, एंड जो कलर डिफरेंस है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लाइक इंस्टेंटली देखने को मिलेगा अगर आप लोग साइड बाई साइड दोनों को कंपेयर करते हो, तो ये आप लोगों को देखना है। और इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड इसका मेन कैमरा सेंसर से यहाँ पर मेरे को दिक्कत ये है कि ये जो डार्क एरियाज होते हैं ना, उनमें ज़्यादा अच्छे से डायनेमिक रेंज कैप्चर नहीं कर पाता, लाइक यहाँ पर लाइट को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो डार्क एरियाज होते हैं वहाँ पर हम लोगों को डिटेल वगैरह नहीं मिलती, तो ये इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस फोन के कैमरा को। और बाकी यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंड मेन सेंसर से जो शॉट्स है वो तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, एंड अगर आप लोग ऐसे डे लाइट में ऐसे डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में अगर आप लोग इसमें पोर्ट्रेट मोड में शॉट भी लोगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छा एज डिटेक्शन यहाँ पर मिल जाता है, स्किन टोन बहुत अच्छे हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन वही सेम चीज़ ऐसे कभी कभी ग्रीन को थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट कर देता है, या हम लोगों को देखने को मिलता है, लाइक ज़्यादातर कलर्स को ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं करता, लेकिन ग्रीन को मैंने देखा है कि कुछ ज़्यादा ही सैचुरेटेड कर देता है, एंड हम लोगों को ना ऐसे वाइट बैलेंस में थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिलता है, थोड़ा सा ऐसे येलो स्टोन में ज़्यादातर पिक्चर्स लेता है, और कभी कभी ये एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम भी कर देता है, जैसे कि इधर आप लोग देख सकते हो कभी कभी ऐसे एज डिटेक्शन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर देता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम पर यहाँ पर अच्छे खासे एज डिटेक्शन हम लोगों को मिल जाती है। ऐसे आप लोग कुछ शॉट्स देख लो, जैसे पीछे सन था और मैंने वो फोटोज़ वगैरह ली, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा डायनेमिक रेंज कुछ खास नहीं मिलता, और जो कलर्स भी है वो थोड़े से हम लोगों को फीके फीके देखने को मिलते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब पीछे सन होता है, पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा लाइट सोर्स होता है, तो ये कभी कभी ऐसा गड़बड़ कर देता है, लेकिन ज़्यादा टाइम पर ये डायनेमिक रेंज अच्छे से कैप्चर करता है, डार्क एरिया में जैसे बताया वहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता। और ये आप लोग कुछ फ्रंट कैमरे के शॉट्स भी देख लो, तो यहाँ पर भी आप लोगों को डायरेक्ट सनलाइटिंग कंडीशन में भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, पिक्चर क्वालिटी शार्पनेस जो है यहाँ पर ऑन पॉइंट है, एंड आप लोगों को फेस में डिटेल्स भी जो है वो भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा ऐसा ब्लर देखने को मिल सकता है, वो नेचुरल ब्लर है। इसके बाद आप लोग कुछ सेल्फीज देख सकते हो, यहाँ पर पीछे सन था और पीछे ऐसे स्काई भी था, तो यहाँ पर लाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि स्काई के कलर को ना ऐसे थोड़ा सा एक्वा कलर टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत मिल सकती है, लाइक स्काई का कलर एक्वा कलर का तो नहीं होता, तो इसमें थोड़ी सी ऐसे कलर में दिक्कत हो गई। बाकी यहाँ पर डायनेमिक रेंज फ्रंट कैमरा में भी मेरे को अच्छा लगा। और ऐसे मैक्रो कैमरा के बारे में तो मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को,
कि मैक्रो कैमरा जो है वो डे लाइट में कैसे फोटोज वगैरह क्लिक करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ मैंने मैक्रो शॉट्स लिए हैं एंड इन सारे मैक्रो शॉट्स को ना मैंने ऐसे मैनुअल फोकस को यूज करके लिया है। मैं भी आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग मैनुअल फोकस का यूज करके मैक्रो शॉट्स लो तो आप लोगों को बहुत ही ऐसे शार्प इमेजेस देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा बहुत एडिट कर दोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलेगा। ऐसे 5 मेगापिक्सल वाला मैक्रो सेंसर है तो 2 मेगापिक्सल से तो बहुत ही अच्छी पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक कर लेता है। एंड इस फोन में आप लोग फ्रंट एंड रियर कैमरे में ऐसे सिनेमा मोड टाइप का आप लोग ऐसे वीडियो भी शूट कर सकते हो, ऐसे फोटोज भी ले सकते हो, तो ये आप लोगों को देखना है। और अभी हम लोग लो लाइट की तरफ बढ़ते हैं कि लो लाइट में ये जो फोन है ये इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। लाइक लो लाइट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लो लाइट में उतना ज़्यादा खास ये परफॉर्म नहीं करता। और जैसे कि देख सकते हो ये अल्ट्रा वाइड एंड मेन सेंसर वाला शॉट है तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे खास डिटेल्स वगैरह नहीं मिलती और नॉइस भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिल जाती है इस इमेज में। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग ऐसे नाइट मोड का यूज़ करके शॉट लो तो आप लोगों को थोड़ा सा बेटर शॉट यहाँ पर मिल सकता है। और ये आप कुछ शॉट्स देख सकते हो, मैंने जब सूरज डूब रहा था तब मैंने लिया था और लाइट वगैरह थोड़ी सी कम थी तब भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कैप्चर किया है और जो स्किन टोन है वो उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। लेकिन पोर्ट्रेट मोड में जैसे कि मैंने बताया कभी कभी एज डिटेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, बाकी इसके एज डिटेक्शन अच्छा ही है। और ऐसे सेल्फीज़ वगैरह देख लो, सेल्फीज़ वगैरह भी बहुत ही अच्छे से आ जाती हैं, स्किन टोन वगैरह बहुत ही अच्छे से कैप्चर करता है। एंड अगर पीछे अगर लाइट भी हो बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छे से लाइट को कैप्चर करता है। एंड जो डायनामिक रेंज है इस फ्रंट कैमरा में भी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। हालांकि फेस में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता लेकिन ओवरऑल जो फोटो है वो देखने को अच्छा लगता है, फेस में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ जाते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा इंडोर लाइटिंग कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि कैसा शॉट्स कैप्चर करता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक ठाक से इमेज कैप्चर कर लेता है। अगर मैं कंपेयर करूँ इस प्राइस के फ़ोन से तो उनसे तो अच्छा ही आप लोगों को कैमरा देखने को मिलता है इसका। लेकिन यहाँ पर कब दिक्कत आती है, अगर आप लोग मैक्रो शॉट्स लेते हो ना तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रेन्स वगैरह देखने को मिलती है। तो मैक्रो सेंसर को मैं ऐसे लो लाइट में तो उतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा, आप लोग लोगे भी नहीं क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी कुछ खास नहीं मिलेगा। एंड फ्रंट कैमरा से ऐसे इंडोर लाइटिंग कंडीशन में शॉट्स जो है ठीक ठाक आ जाती हैं, डिटेल्स वगैरह ठीक ठाक आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का हो जाता है जो कि मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। और गाइज मैं ना इसके आप लोग कुछ स्लो मोशन शॉट्स भी दिखा देता हूँ अभी लास्ट में, तो ऐसे स्लो मोशन शॉट्स मेरे को कुछ ऐसे ज़्यादा पसंद नहीं आए। स्लो मोशन को मेरे को लगता है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेम स्किप कर देता है तो स्लो मोशन मेरे को इस फोन का ज़्यादा पसंद नहीं आया। बाकी यहाँ पर आप लोगों को लॉग मोड में वीडियो देखने को मिलता है, लाइक मैनुअल मोड में आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो, रॉ फोटोज़ ले सकते हो, लॉग में आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो, बहुत कुछ है इस फोन में ना। कैमरा फीचर्स बहुत भर भर के हैं, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इसके कैमरा फीचर्स के ऊपर लाइक आप लोग कैसे इसके कैमरा फीचर्स को लाइक अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और जी कैम के भी ऊपर वीडियो आएगा तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को इसके लिए। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना हाँ ठीक है। और देख रहे हो लौंडा कितना मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो ऐसे शेयर भी कर देना अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो, कुछ भी आप लोगों का क्वेरी है इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को DM कर देना। एंड अगर आप लोगों को क्विक टेक अपडेट्स चाहिए ट्विटर पे जाओ, फॉलो कर लो मेरे को, नीचे सारे के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नीचे आप लोगों को एक और अमेजन का लिंक देखने को मिलेगा, उससे जाके आप लोग कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि चैनल को ऐसे थोड़ा सा हेल्प ना हेल्प हो जाएगा, तो अगर चैनल को हेल्प करना चाहते हो तो शॉपिंग कर सकते हो उस लिंक से। ओके गाइस दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।